नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। बिहार के पॉलिटिकल ड्रामा में आज दिन क्लाइमेक्स का है, सियासत का सुपर संडे बिहार के लिहाज से आज, क्योंकि पिछले कई दिन से जो सस्पेंस चल रहा है, ये सस्पेंस नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर बिहार में सियासी खेला अपने चरम पर है। नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा देने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्क्रिप्ट अब करीब करीब अपने मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज ही शाम 4 बजे शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। और जानकारी ये भी मिल रही है कि अकेले नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके साथ 6 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं आज। तो नीतीश कुमार के साथ 6 से 8 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ये 6 से 8 मंत्री जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन्हीं अलग अलग दलों के होंगे जिनके सहयोग से सरकार बनेगी। नीतीश ने गवर्नर से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। तो नीतीश ने गवर्नर से मुलाकात करने का वक्त मांगा है। राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, पहले इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा। हमारी पूरी टीम इस वक्त बिहार में मौजूद है। बिहार की हर सियासी हलचल सबसे पहले सबसे सटीक और विश्वसनीय अंदाज में बिहार की सियासत की हर खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दशकों से बिहार की सियासी नब्ज को समझने पहचानने करीब से देखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार के पास। और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, मुलाकात का राज्यपाल से वक्त नीतीश कुमार ने मांग लिया है, पहले इस्तीफा और फिर शपथ ग्रहण की आज ही पूरी तैयारी है क्या प्रकाश? रोमाना, मैं तस्वीर दिखाता हूं जिस जहां पे मैं खड़ा हूं, ये है गोलंबर जो राजभवन के पास है और इसी गोल चक्कर के आसपास ही सब कुछ होता रहता है। नीतीश कुमार आते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। पिछले 8 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं और 9वीं बार शपथ लेने वाले हैं आज। तो जाहिर है कि ये राजभवन जो आपको दिख रहा है और इधर सीएम आवास है, सीएम आवास से राजभवन की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जाहिर है कि विधायकों का, विधान पार्षदों का, सांसदों का, लोकसभा या राज्यसभा दोनों, सभी यहाँ पर जुट रहे हैं। 10 बजे का वक्त है और सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको दिख रही है, मीडिया के लोग हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और आप देखेंगे कि विधायकों का, सांसदों का, सबके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं और सभी एक ही सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से वो उन्हें मंजूर होगा। हम बिलाई के बच्चा हैं, नीतीश बाबू जहां उठा कर रख देंगे हम रहेंगे। बिलाई का देखे हैं, बिलाई या बंदर, बिलाई एक धीरे करिए, बिलाई जो है अपने बच्चे को दांत से पकड़ करके उठा कर रख देता है और बंदर का बच्चा बंदर में लटका रहता है, वो गिर भी जाता है, वो असुरक्षित रहता है, लेकिन बिलाई का बच्चा हर समय सुरक्षित रहता है। इसलिए हम बिलाई के बच्चा हैं, मैं बिलाई का बच्चा हूं, बस इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेते हैं हम लोग उनके साथ रहते हैं। नीतीश कुमार जी जो साथ जहां रहते कहे तो हम बिलाई का बच्चा हैं, अभी से ज्यादा क्या कहेंगे। बिलाई के बच्चा हूँ मैं, हूँ अभी से ज्यादा बिलाई का बच्चा मैं हूँ। बिलाई का बच्चा को जहाँ नीतीश बाबू रखेंगे रखते हैं। बिलाई का बच्चा हूँ, बेहद दिलचस्प बयान है। ये विधायक है और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं कि साहब ये बिलाई का बच्चा, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ बिल्ली का बच्चा खुद को बता रहे हैं कि दांत से उठाकर वो जहाँ रखेगी वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। नीतीश कुमार हमें जहाँ पटकेंगे हम वहीं पर रहेंगे, मतलब जो नीतीश कहेंगे हम वो करेंगे। तो विधायक जिनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है सीएम आवास पर, और सीएम आवास से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी निधिश्री इस वक्त मौजूद है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, निधिश्री के पास कोई अपडेट है? निधि, रुमाना कुछ देर पहले हरि नारायण विधायक है हरनौत विधानसभा से, उन्होंने कहा कि इस पूरी भूमिका में बड़े भाई के रोल में नीतीश कुमार है। जो पहले कहा जा रहा था कि क्या बीजेपी अपनी तरफ से डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और वही बड़े भाई रहेंगे। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।